और राइट हैंड से ही मैं लड़ूंगा, और राइट हैंड में ही देखो तितली बैठी है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आया हूँ। तो अभी भी सुबह के बज रहे 5 और नज़ारा कुछ ऐसा हो रहा है, आप देख सकते हो। और आज गाइस कोहरा भी हो रहा है। आज पहला कोहरा देखा है मैंने सुबह सुबह, ठीक है। तो बाकी बातें रोड में करेंगे। तो मैं फटाफट पहले मैं तैयार हो जाता अभी मैं। तो गाइस मैं निकल गया हूँ घर से तैयार होके। देखो ट्रैक भी पहन लगा है कि उत्तराखंड में ठंड हो रही है। तो गाइस मैं आज हम लोग जा रहे हैं आर्म रेसलिंग खेलने, फिर से दोबारा आर्म रेसलिंग खेलने जा रहे हैं। और हम यहाँ से जा रहे हैं 30 किलोमीटर दूर जहाँ आर्म रेसलिंग हो रहा है। तो मेरे साथ जो जो जा रहा है मैं उनसे भी आपको मिलाऊँगा कौन कौन जा रहा है आर्म रेसलिंग खेलने। तो अब फटाफट उन्हीं के पास चलते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं फाइनली अपने लड़कों के पास पहुँच गया हूँ। और ये रहे हमारे लड़के। ये साला कैमरामैन तो बकचोदी कर, और ये हुसैन बोल्ट, और ये मोहित भाई जो सुबह लेट उठ के आ रहे हैं। तो गाइस टाइम वैसे ही बहुत लेट हो गया, तो फटाफट हम पहुंचते स्टेशन और फिर निकलते हैं अपने आर्म रेसलिंग के लोकेशन पे। तो गाइस हम जा रहे हैं ऑटो से स्टेशन के लिए। तो गाइस हम पहुंच गए स्टेशन। ये रहा हमारा रुद्रपुर का स्टेशन। कितने यहाँ तक तुझे कितने दिए? 50 रुपए। हाँ तो सही लिए, 20-20 रुपए वहाँ से लिए। ज़्यादा ले लिए। हाँ तो 20-20 ही लेता है। 70 देता वो, 30 के साथ से 80 देता। अच्छा लगता था ना, मैं ज्यादा भी से बड़ी है। तो गाइस अब फटाफट, अभी ट्रेन आई नहीं है, ठीक है। जब ट्रेन आएगी तो आपको मैं दिखाऊंगा। और अभी स्टेशन में इतनी भीड़ हो रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो अब बहुत पैसा है, ये देखो भीड़। तो गाइस हमारी ट्रेन आ गई है। देखो ये लिफ्ट मांग रहे हैं, ये बकचोदी कर रही है। तो हमारी ट्रेन आ गई, ये तो फटाफट बैठते हैं यार। तो गाइस फाइनली हम रामपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं, और सामने देखो बैनर भी लगा हुआ रामपुर का। और लांडो क्या था मांगा मचाना है, चलले खाना खाने। तो अभी खाते पीते हैं खाना, पहले वेट होगा साले, वेट देखना, वेट तो सही तुम्हारा। और अगले बार इस ट्रेन में देखो भीड़ देखो कितनी हो रही है। तो अभी लोकेशन पे जाना है, तो फटाफट देखते लोकेशन। तो गाइस हम रामपुर से यहाँ लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ पर हमारा आर्म रेसलिंग हो रहा है। और सामने कुछ ज़्यादा ही तगड़ा हो रहा है, हवाई अड्डा रेस्टोरेंट है, और ये उड़ता भी है, ये देखो प्लेन पे है। अभी पास जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई ये देखो बैनर लगे हुए हैं यहाँ पर आर्म रेसलिंग का जो हो रहा है, ठीक है। ये पढ़ सकते हो, और ऊपर हवाई अड्डा बना पड़ा है। ये गार्ड अंकल है, चले फिर अंदर चले। तो भाई एंट्री वेंट्री करा ली हम लोगों ने, ठीक है। मोहित आया था एक्चुअली देखने के लिए, तो उसके एंट्री में दिक्कत हुई, तो भी वैसे हमने करा ली। और ये सामने देखो आई लव हवाई अड्डा, और ये देखो सच में यार क्या रेस्टोरेंट है। इसका शायद रील वील भी बहुत वायरल हो रहा था। ये रामपुर में ही है ये हवाई अड्डा। तो गाइस अब फटाफट रजिस्ट्रेशन कराते और वेट कराते अपना, ठीक है, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। और सामने देखो थॉर, अपना थॉर भाई जीत जाएंगे आर्म रेसलिंग। ओरे भाई जीत जाएंगे आर्म रेसलिंग, आओ एंट्री कराते हैं फटाफट, ठीक है। तो वेट वेट कराते हैं। तो गाइस ये रहा मंच जहाँ होने वाला है, ठीक है। यहाँ वो देखो टेबल भी लगा रखा है ब्लैक कलर का, और ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और अपने यहाँ बैठे पड़े हैं, ठीक है। अभी 10 बजे से एंट्री होगी, इसकी भी 10 बजे एंट्री है। हाँ तेरे तो दांत दिख रहे हैं, ये पंजा दिखाइए ऊपर पंजा। ये क्या करना है हमें? पंजा लड़ाने। रिंकू क्या करना है? पंजा तो दिखा देगा उधर वाला। ये भाई तुम किस ले आया? देखना है प्लेन, देखना है प्लेन, पायलट है भाई।
ये पायलट ये बैठे हैं यहाँ पर, बस इधर बढ़िया आ रहा है यार, क्वालिटी कितनी बढ़िया आ रही है इधर की साइड। तो भाई वेट के लिए खड़े हैं, धूप लग रही थी यहाँ पर, तो अंदर वेट हो रहा है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो लौंडे यहाँ खड़े हैं काफ़ी और अंदर हो रहा है वेट, तो फटाफट वेट कराते हैं, फिर आपको मैं आई कार्ड दिखाता हूँ, आई कार्ड मिलता है। ठीक है, तो गाइस हम लोग का वेट वगैरह हो गया है, आई कार्ड भी हमें मिल गया है, मैं 50 में खेल रहा हूँ। ठीक है, तो मोहित हम लोग सब खेल रहे हैं, अब मोहित का भी मूड बन गया खेलने का। तो फटाफट जब कॉम्पिटिशन शुरू होगा तब मैं आपको मैं दिखाऊँगा। ठीक है, तो गाइस ये देखो तितली बैठ गई मेरे ऊपर, और राइट हैंड से मैं लड़ूंगा, और राइट हैंड में ही देखो तितली बैठी है, अब पता नहीं इसका क्या संकेत होगा, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप जीत सकते हैं वो गेम में पता चलेगा, मैं पहले कुछ नहीं बता सकता। येलो कलर, ठीक है, पर इसी हैंड से लड़ूंगा और इसी हैंड में देखो तितली बैठी पड़ी है, आएगी हाथ में, आएगी आएगी आएगी, आजा आजा, नहीं आ रही है, मना कर रही हो, कह रही जीतने के बाद। तो भाई दिन के लिए देखते देखते बहुत भीड़ हो गई है यहाँ पर आम रेसलिंग में, और आपको मैं भीड़ दिखा रहा हूँ प्लेन के पास कितनी भीड़ हो गई है। ठीक है, अभी देखो भाई भीड़ देखो, भीड़ देखो, सब आम रेसलिंग के लिए आया सब के सारे, और ये हवाई अड्डा देखो कितना बढ़िया है, प्लेन है यहाँ पर, रेस्टोरेंट बना रखा है ऊपर, ये पूरा रेस्टोरेंट है ऊपर ये, और इधर सब जगह भीड़ ही भीड़ है। ये देखो आई लव हवाई अड्डा। ठीक है गाइस, तो अभी जब शुरू होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली मैच दिखाऊंगा आप। ठीक है, बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है तो डायरेक्टली मैच दिखा दूँ। ठीक है, तो गाइस पहला फाइट हमारी रिंकू की शुरू हो गई है, रिंकू वार्म कर लिया, कुछ दिक्कत हो जाएगा कंप्लीट। तो भाई का भी फाइट है, अभी मंच पे लेके जाना है इसको। ठीक है, इसके बाद रिंकू का फाइट है, वार्म कर ले बढ़िया से। रिंकू वर्सेस अरमान, प्लीज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट काउंट, अगले मैच के लिए तैयार रहे। रिंकू वर्सेस अरमान, तो गाइस रिंकू की शुरू हो रही है, वो दूसरा बंदा कौन है? तो ये भाई की फाइट हो रही है, उसको दो पॉइंट दी जाएंगे, तीसरी को डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, प्लीज ध्यान दीजिए इस चीज। तो गाइस रिंकू को पहला फाउल हो गया था, अब दूसरी फाइट हो रही है, एक फाउल हो गया उसका, अमन फाउल मत कर दे गेम के बाद, रेडी गो, चल मेरे से विनर नेम। गाइस रिंकू का पहला राउंड सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल हो गया, कोई नहीं, अब सेकंड राउंड है, उस पर देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, रिंकू की सेकंड फाइट होने वाली है, अभी फर्स्ट फाइट में तो कुछ हो नहीं पाया, तो अब सेकंड फाइट में कुछ करेगा लौंडा अपना, कि रिंकू देखते हैं हो जाएगा, तो बने रहना ब्लॉग में। तो अभी रिंकू की सेकंड फाइट है, देखो क्या होता है अब। सनी सागर वर्सेस अरमान, रिंकू सेकंड फाइट जीत चुका है हमारा, बधाई हो भाई को, अब रिंकू कुछ करके दिखाना है, अब हारना नहीं है, ये आ रही है जा रही मेडल लेने। ठीक है, कुछ करके दिखाना है, मैं लेके तो कैसे नहीं लेता, हाँ तभी तो मैंने भेजा। अरमान अरमान, चल भाई इस बार और, तो अभी रिंकू का थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है, अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इनका तो अभी हुआ दिखा सर, अभी हुआ था इनका, दोबारा क्यों हो रहा है इनका? सेंटर
तो गाइस अब मेरा 50 केजी का शुरू होने वाला है, फर्स्ट फाइट मेरी है, ठीक है। तो अभी बहुत वो हो रहा है, अब देखते क्या होता है ऊपर, ठीक है, बने रहना ब्लॉग में। और भाई अभी खाना खा रहा है, 50 केजी का स्टार्ट हो गया है और भाई प्रकाश भाई का राउंड आने वाला है। बड़ी बढ़िया यहाँ पर देखते क्या होता है भाई, ने देखो प्रकाश अरे मैं। तो हमारे 60 केजी फाइटर की बाउट आ गई है, पहला राउंड देखते अब क्या होता है, हारते हैं जीतते हैं। मोहम्मद अरमान वर्सेस आबेद अली, मोहम्मद अरमान वर्सेस आबेद अली, प्लीज बी रेडी फॉर द नेक्स्ट बाउट। तो पहले राउंड हमारे जीत गए 60 केजर। तो पहला राउंड जीत चुके हैं हमारे 60 केजी फाइटर, 60 केजी फाइटर पहला राउंड जीत चुके हैं। हमारे 60 केजी फाइटर का अब सेकंड राउंड आ गया है। चलो अब देखते हैं क्या होता है हमारा 60 केजी फाइटर का सेकंड राउंड है ये। तो गाइस हमारे 60 केजी फाइटर का दूसरा राउंड हुआ था और ये दूसरा राउंड हार चुके हैं। हार दिया यार, कैसा लग रहा है हारने के बाद? पता नहीं, उसने खींच कर रखा, मैं तो ट्राई कर रहा था पर कोई नहीं, अब एक राउंड और है, देखते उसमें क्या होता है। तीसरे राउंड में जीत जाना है। अरे तीसरे में कुछ कर लेना, देखो क्या होता है। तो हमारे 60 केजी फाइटर का थर्ड राउंड आ गया है, तो अब देखते हैं इनका थर्ड राउंड में क्या होता है। तो थर्ड राउंड आ गया, इसमें देखते हैं क्या होता है प्रकाश का। ये राउंड भी हार गया प्रकाश। तो गाइस हम लोग हार गए, रिंकू और मैं हार गए, एक हम जीते दो हारे, मतलब यहाँ पर ना तो स्पीड की बहुत जरूरत है, पूरी टेक्निकल तो बने और हमारे में स्पीड की कमी है, तो अगली बार तैयारी से आएंगे, पर आएंगे जरूर, ठीक है, सभी कमी है, आएंगे जरूर, ठीक है गाइस। तो अब मोहित और अपने भाई का मैच ही नहीं आ रहा है और सबका मैच हो रहा है, इसका मैच ही नहीं, लेफ्ट हैंड है ना, एक ये भी है, अंधेरा हो रहा है, ये ढलते जा रहा है धीरे धीरे। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये तो पतलू राम था आ रही हो, तेरी अभी भी नहीं आया। और भाई और मैच ही मैच हो यार, गाइस अभी हमारे मोहित भाई का मैच होने वाला। मोहित भाई और कैश प्राइज भी कोई ना कोई तो आ ही जाएगी, पहले मुझसे जीत जाओ। तो आगे बैठा है ना, तो भाई मोहित भाई पूरा पूरा मतलब ट्रॉफी के कंफर्म है ना, मजाक कर रहा हूँ यार, हार जाएंगे उससे।
चलो देखते क्या होता है, मैं पूरा मैच दिखाऊंगा, मोहित का जरूर दिखाऊंगा। गाइस हम जा रहे हैं और देखो ये फुल जरा चला दिया, अब जा रहे हैं हम लोग घर पे घर के लिए, तो गेट से घर वर के जाते हैं। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं घर, अब मोहित का मैच तो हम ले नहीं पाए कि उनको हम छोड़ के जा रहे हैं, वो लोग लेट आएंगे, उनको 12-1 बज जाएगा रात के, ठीक है। तो हम कुछ दिन थे तो हम जा रहे हैं घर, क्यों हमें घर से कॉल भी आ रहा, हमारा मैच निपट गया था। तो गाइस मैं उन लोगों का वीडियो मैं नहीं ले सकता, पहले मैं सोच रहा था डालूंगा ये ब्लॉग में पर नहीं डाल सकता। तो आशा करूँगा आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी ब्लॉग मैं और भी लेके आऊँगा और नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करके दिखाऊँगा, ठीक है। तो मेरा फ़ोन भी ऑफ होने वाला है तो मैं ब्लॉग को करता हूँ एंड, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।